आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। आज हम चने के सत्तू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह अपने आप में संपूर्ण आहार है, लेकिन इसका उपयोग हम किस तरह करें और इस सत्तू के सेवन से हमें कौन कौन से फायदे होंगे, इसे भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसे सत्तू का शरबत कैसे आसान तरीके से इसे बनाया जा सकता है और इसे पीकर किन किन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सत्तू का शरबत कैसे बनाएं। एक गिलास सत्तू के शरबत बनाने के लिए, इसके लिए हमने लिया है एक चम्मच सत्तू और आधा नींबू, इसमें स्वादानुसार जीरा एवं काला नमक डालना है। यह बन गया आपका नमकीन सत्तू। कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, वह नमक के बदले शक्कर का उपयोग करें। शक्कर भी आपको स्वादानुसार डालना है। इस शरबत को यदि आप सुबह पी लेते हैं तो सारा दिन आपको ऊर्जावान लगेगा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सत्तू से कौन कौन से फायदे होते हैं। सत्तू की तासीर ठंडी होने के कारण शरीर में होने वाली गर्मी से हमें बचाता है। यह धूप में जाने पर लू लगने से हमें बचाता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यह एनीमिया से बचाता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी बहुत सहायक है। इसमें विटामिन के होने के कारण ख्याल रखें कि पथरी वाले को सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले व्यक्ति यदि सत्तू का सेवन करते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रतिदिन सत्तू का सेवन करने से मोटापा कम होता है और यदि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है जिस कारण हमें भूखे छाले होते हैं, सत्तू का सेवन करने से हमें इसमें बहुत लाभ मिलता है। मैं आशा करती हूँ अभी हमने जो सत्तू के उपयोग बताए वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप इस लाभकारी व टेस्टी सत्तू के शरबत का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।